उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की हत्या कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा में इस डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों सीनियर सिटीजन घर पर अकेले रहते थे। यह घटना ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर की है, जहां बुजुर्ग पति का शव घर के बेसमेंट में मिला और टेप से बांधे हुए थे, जबकि पत्नी का शव कमरे में मिला है। घर में रहने वाले 72 साल के नरेंद्र नाथ और उनकी पत्नी सुमन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अल्फा 2 सेक्टर में I-24 मकान में 2 डेड बॉडी प्राप्त हुई हैं। नरेंद्र नाथ, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, और सुमन नाथ, जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। देखने से यह लग रहा है इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पर बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा यह घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। इनका लेन देन का भी काम था और कुछ लोगों को इन्होंने काफ़ी पैसे उधार भी दे रखे हैं। घर वालों का यह भी शक है कि उनके द्वारा भी ये घटना की जा सकती है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जबरन कहीं भी आने का साक्ष्य नहीं है। दरवाजा खोला गया है, दरवाजा खोलने के बाद भी ये लोग आए हैं। मृतका, इनकी नरेंद्र नाथ की जो पत्नी है मृतका, उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रात को लगभग 11:30 बजे के बाद की प्राप्त हुई है, जो अपने दामाद से बात कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीचे महफिल जमी हुई है, लोग पी खा रहे हैं, मैंने मना किया लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं माने हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हीं व्यक्तियों द्वारा यह घटना की गई है जो आए हैं, और इसका शीघ्र ही हम अनावरण करेंगे। पुलिस के मुताबिक स्थिति देखकर साफ है कि घर में शराब पार्टी चल रही थी। शायद पार्टी में आए लोगों ने ही बुजुर्ग दंपति की हत्या की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग कपल की गला घोंटकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। Desk.